बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ुबैदा देसी किचन के साथ। आप इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और आज मैं बर्फ़ी बनाती हूँ। ये दूध है मेरा 1.5 लीटर और बिल्कुल हलवाइयों की तरह बनाऊँगी। आगे भी मैंने 2-3 दफ़ा बनाई है लेकिन वो दूसरी तरह, लेकिन आज मैं बिल्कुल हलवाई की तरह बनाऊँगी। ये मैंने 1.5 लीटर दूध चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं ये 1 टीस्पून में इलायची पाउडर डालूंगी। ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर है। अब भी बस जैसे ही ये गर्म हो जाए बस इसे मैं हिलाती रहूंगी, हिलाते हिलाते इंशाल्लाह जब ये बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा बर्फ़ी बनने वाली हो जाएगी फिर इंशाल्लाह। ऐसे ही मैं चमचा इसमें हिलाती रहूँगी। ये देखें दूध मेरा इतना सा हो गया लेकिन बिल्कुल ये थिक हो जाएगा, फिर मैं इसे चमचा हिलाना छोड़ूंगी। ये देखें मैं लगातार चमचा हिला रही हूँ, बीच में इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। दूध थोड़ा सा अब थिक होता जाता है। बस ये देखें आप, दूध मेरा इतना सा रह गया लेकिन ये है कि चमचा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चमचा हिलाते जाना है। इससे भी आधा रह जाएगा फिर इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी। देखें ये मेरी बर्फ़ी इतना सा दूध अब बन गया है। अब इसमें मैं ये आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। आप थोड़ी देर और पकाऊंगी कि इससे भी तो पानी निकलेगा ना, तो थोड़ी देर और पकाऊंगी। अब मुझे पूरा 1 घंटा हो चुका है इसे पकाते हुए, तो देखें अच्छी तरह थिक हो चुकी है, बस थोड़ी देर और बनाऊंगी। बस ये देखें अब मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है, तो बर्फ़ी मेरी इंशाल्लाह अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक टीन में निकालने लगी हूँ। बस मैंने टीन को ग्रीस कर दिया है ऑयल से, अब ये टीन में मैं निकाल देती हूँ। बस ये मैंने बर्फ़ी निकाल के टीन पे डाल दी है। इंशाल्लाह मैं इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, फिर निकालूँगी आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। बस ये देखें 4 घंटे हो चुके हैं, बर्फ़ी मैंने निकाल ली है, थोड़ी नरम ही है। अब इसे मैं काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखें मेरी बर्फ़ी अभी थोड़ी नरम ही है पर बिल्कुल हलवाई की तरह है। कोई चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है, सिर्फ दूध है और शुगर और इलायची पाउडर, बिल्कुल हलवाइयों की तरह है लेकिन है नरम है। 4 घंटे मैंने रखी है लेकिन नरम है। तो आप ख़ुद कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल का बटन भी दबाएँ, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमें तोहफा होता है, जो कुछ भी हम पकाते हैं लेकिन आपको दिखाने के लिए। तो अल्लाह हाफिज़।